I'm sorry. मीटिंग में था. वेलकम बैक टू पाकिस्तान. क्या हाल है? थैंक्स। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी भी जान से बात हुई थी? हाँ, हाँ, बात हुई थी. केयर फॉर कॉफी या समथिंग? नो नो थैंक्स। वो एक्चुअली आई एम इन अ रश। अच्छा, हाँ बात हुई थी मेरी मम्मी से. तुम्हें ये एकदम से शादी का ख्याल कैसे आया? डैड के जाने के बाद मैंने फैसला किया है कि रहीम, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। ग्रेट. यानी एकदम से तुमने मुझ पे एहसान करने का सोच लिया. रक्षा, जब भी मैंने शादी की बात की, या तो तुम्हारे हाउस जॉब का प्रॉब्लम था, या हॉस्पिटल का मसला था, फिर तुम अमेरिका चली गई. चलो, दैट वाज अ वैलिड रीजन, आई अंडरस्टैंड. लेकिन अब एकदम से तुम्हें मुझसे शादी का ख्याल आ गया, वो भी एक वियर्ड रीजन पे, कि मुझे शादी के बाद तुम्हारे साथ अमेरिका मूव होने वाला है. लगता है तुम्हें किसी ने काफी ब्रेन वॉश किया है। मुझे किसी ने क्या ब्रेन वॉश करना है? हाल बता, तुमने मायूस बहुत किया है मुझे. हमारे दरमियान जो ताल्लुक था ना रमशा, वो अब नहीं है और ना ही दोबारा पैदा हो सकता. साफ साफ क्यों नहीं कहते रोहिल कि तुम्हें रूही की शक्ल में एक ऑल्टरनेट मिल गया? तुम तो वैसे भी मुझसे जान छुड़ाना चाह रहे थे, तुम्हें रीजन भी मिल गया। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अब अगर ये शादी होगी तो एक ही सूरत में, वो ये कि तुम मेरे साथ अमेरिका चलोगे। यानी मैं अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ के एक ऐसे रिश्ते की खातिर अमेरिका मूव हो जाऊं जो सिर्फ खुदगर्जी पे है? तो इसका मतलब है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात, जब तुम मेरे लिए अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो फिर मुझसे भी कोई उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं तुम्हें। बहुत अच्छा हुआ रमशा कि हम इस दिखावे के रिश्ते से बाहर आ गए. कंग्रेचुलेशंस.